इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर और अतराफ में जुर्म की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, खासकर चोरी और नशा में अक्सर नौजवान मुलव्वस होते दिखाई दे रहे। वैसे पुलिस इंतजामिया अपना काम कर रही है, पर अवामी बेदारी भी जरूरी है। तकरीबन 20 लाख के अफीम के साथ 3 मजरूमों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अफसर बीआर गड्डेकर के जेर निगरानी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1 किलो 15 ग्राम की अफीम राजस्थान ढाबा के पास पान शॉप होनगा जो हाईवे पर वाके है, वहां से बरामद किया गया। साइबर इकोनॉमिक ऑफिसर्स एंड नारकोटिक्स के दस्ते को जब इत्तला हासिल हुई और इस कार्रवाई को इन्होंने कामयाबी के साथ अंजाम दिया। गिरफ्तार अपराधों के नाम कमलेश बनीवाल, दिल्ला खान और सरवन बिश्नोई बताया जा रहा है। इसके लिए यकीनन बेलगाम पुलिस को मुबारकबाद। खैर, क्या अक्सर वो बेशतर नौजवान जिस कदर नशे के आदि होते जा रहे हैं, इसके लिए समाज के मुख्तलिफ इदारों, पंचायत, जमातों, संगठन की जानिब से तहरीक को बेदारी मुहिम छेड़ने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि आज जो लोग इस खबर को देख रहे हो सकता है इनके घरों के नौजवान ही नशे के आदि हो सकते हैं। नशे के आदि ये खोखला नौजवान समाज के लिए क्या भला काम कर सकता है? चोर चोरी करता रहता है और कभी कभार पकड़ा जाता है। इसका पकड़ा ना जाना उसे और जुर्म करने पर आमादा करता रहता है। उसी तरह से आज 20 लाख की अफीम पकड़ी गई, पर इससे पहले कितने बार और कितने लाख करोड़ की अफीम को इन्होंने बेचा होगा? कितने लोग होंगे जो इस नशे के कारोबार में मुलव्वस है और कितने लोग होंगे जिन्होंने इसका नशा किया होगा? नशा करना आम बात होती जा रही है, जब महंगा नशा करते हैं तो इसके लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है, लिहाजा इसका दूसरा हिस्सा चोरी है। मतलब जुर्म का रास्ता इसी तरह से तवील होता जाता रहता है। बेलगाम शहर और अतराफ में चोरी की वारदातों में भी जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। पिछले सिर्फ 2 महीने का जायजा लिया जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हर हफ्ते चोरी अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। कल तिलकवाड़ी में तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा कीमती जेवर रुपयों की चोरी हुई। तिलकवाड़ी वैसे भी पॉश इलाके के तौर पर देखा जाता है, जहां इस तरह की वारदातें ना के बराबर होती है, पर कल की वारदात ने शहर के इस इलाके को हिलाकर रख दिया। मियां बीवी को रस्सी से बांधा गया और तेज हथियार से कत्ल की धमकी दी गई। कहने का मतलब, तिलकवाड़ी, श्रीनगर, उद्यमबाग जैसे शहर के दरमियानी इलाकों में भी चोरी करने की हिम्मत की जा रही है। कई सारी टोलियां, गिरोह मौजूद हैं जो एक काम को अंजाम दे रहे हैं। और मैं ये बार बार कहता हूं कि जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस महकमा की नहीं है कि मुजरिमों को पकड़े या जुर्म को रोके। हम सब इस माशरे का हिस्सा है, लिहाजा हम सबको अपने घरों के बच्चों पर नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर अपना लाडला किन दोस्तों में अपना वक्त सर्फ कर रहा है। अब तो ये हद हो गई कि शर्म आया जिसका जेवर कहा जाता था, लड़कियां तक नशे में मुलव्वस होने की मिसालें देखी पाई जा रही है। खैर, एक इकदाम जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से किया जा रहा है। बेलगाम के आजाद नगर में नौजवानों को किस तरह से नशे से आजाद किया जाए, दो मुख्तलिफ मोहल्लों में बतौर तहरीक जायजा लिया जा रहा है। जमीयत से वाबिस्ता किया जा रहा है, वर्कशॉप लिए जा रहे हैं ताकि माशरे की बुराई दूर हो सके। जो भी हो, कोशिश जारी है और रहनी चाहिए। बेलगाम जिला के नायब सदर मुफ्ती तुफेल ने इत्तेहाद न्यूज को बताते हुए कहा कि नशा समाज माशरे को खोखला कर रहा है। मुल्क या किसी कौम का मुस्तकबिल नौजवान होते हैं, लिहाजा नशे से आजादी के लिए मोहल्लों में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसी तरह से गली मोहल्ले की जमातों को आगे बढ़कर कमिटियां तश्कील देना होगा, वरना रुपए कमाने के चक्कर में कारोबार, तिजारत, नौकरियों की मसरूफियत में अपने अतराफ में नजरसानी करना ही भूल जाते हैं। जुर्म घर में ही पनपता रहता है और हम मुजरिमों को दूसरी तरफ तलाशते रहते हैं। लिहाजा वक्त बहुत नाजुक है, हर सुबह नई चुनौती लेकर आ रही है। रोजी मुकद्दर है, हर हाल में रिस्क मिलकर ही रहेगा, पर तरबियत आपको देना होगा अपने बच्चों को ताकि माशरा बेहतर और नेक बन सके। राम मंदिर तामीरी चंदा फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश, 4 अफरादों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। ना सिर्फ कर्नाटक में बल्कि मुल्क भर में राम मंदिर तामीरी चंदे में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होने की इत्तला हासिल हुई है, जिसे खुद राम मंदिर न्यास कमेटी ने भी कबूल करते हुए कहा कि राम मंदिर तामीरी चंदे की रसीद बुक भी फर्जी बनाए गए हैं, जिससे लाखों रुपये गबन के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा रहा। राम मंदिर न्यास के चंपत राय ने सहाफियों को इत्तला देते हुए कहा कि राम मंदिर भक्त बनकर और भगवा गमछा पहनकर कुछ फर्जी हिंदुत्ववादी चंदा इकट्ठा करने की इत्तला हासिल हुई है, लिहाजा मथुरा से
चार अपराधों की गिरफ्तारी की भी खबर हासिल है। वाजर है कि राम मंदिर तामीर को लेकर कर्नाटक के साबिक वजीर आला कुमार स्वामी ने चंदे में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ी की खबर साफियों को दी थी और कहा था कि समाज में राम मंदिर चंदे के नाम पर नफरत को फरोग दिया जा रहा है और जो लोग चंदा देने से इनकार कर रहे हैं इनके घरों को निशान भी बनाया जा रहा है, अकलियतों को भी डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ तक कि खुद 20 से मुतासिर होने की बात कही है। डुप्लीकेट रसीद बनाकर चंदा इकट्ठा करने की वारदातों से खुद राम मंदिर कमेटी भी परेशान है। वैसे भी 1100 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं, फिर भी क्यों राम मंदिर के चंदे के नाम पर माहौल में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा सवाल भी कुमार स्वामी ने किया है। कोरोना आलमी वबा को लेकर दुनिया भर में डर खौफ देखा जा रहा है। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक तो हो रहा है पर हुकूमत और खासकर मोदी हुकूमत ने वैक्सीन को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हुए दुनिया को वैक्सीन पहुंचाने की बात कही थी। पहले कोरोना वॉरियर्स को ही वैक्सीन देने की बात कही जा रही है जिसमें खासकर सफाई मुलाजमीन सेहत महकमा को वैक्सीन दी जा रही है, पर वैक्सीन को लेकर सफाई मुलाजमीन और सेहत महकमा में भी डर खौफ देखा जा रहा है। लिहाजा पूरे मुल्क से इस तरह की खबरें आ रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने की भी खबर हासिल हो रही है, पर वैक्सीन लगवाने के लिए कोई आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी इत्तला हासिल हुई है। बेलगाम कारपोरेशन के सफाई मुलाजमीन में 1100 लोगों की फहरिस्त को वैक्सीन लगवाने के लिए तय किया गया था पर महज 150 लोगों ने ही इस वैक्सीन को लगवाया है, दिगर वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक कुछ ने तो बुखार आने की वजह से इनकार किया है तो कुछ ने साइड इफेक्ट के तहत कमजोरी चक्कर आना वगैरह वजूहत पेश करते हुए वैक्सीन से दूर भागते दिखाई दे रहे हैं। आला अफसर बार बार हिदायत दे रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, लेकिन इसके बावजूद भी इनकार करते सफाई मजदूर सेहत महकमा से क्या कोरोना वैक्सीन की तहरीक को नाकाम समझा जाए? जब मुफ्त में ही वैक्सीन लगवाने के लिए आवाम डर रही है तो रुपये देकर कौन और कैसे लगवाएगी, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। जो भी हो पर हुकूमत नाकामी को भी किसी तरह कामयाब साबित करती है, ये भी उतना ही सच है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे मुल्क में यूनिटी मार्च का एहतमाम किया गया था। कर्नाटक में भी जमखंडी और उल्लाड़ में PFI यूनिटी मार्च तय किया गया था। लिहाजा जमखंडी PFI की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमखंडी पुलिस पर इल्जाम लगाया कि जानबूझकर PFI के कारकुनों को धमकाया गया और PSI गोविंद गौड़ा पर इल्जाम लगाया कि इस अफसर ने डर खौफ का माहौल बनाकर PFI के यूनिटी मार्च में रुकावट पैदा की। इन्होंने PSI पर RSS के खिदमत अंजाम देने वाला अफसर का और इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई कर सके करेंगे ऐसा भी कहा। कुछ PFI के कारकुनान को गिरफ्तार करने की तक बात PFI के जिम्मेदार असगर अली शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। PFI के प्रेस रिलीज में इन्होंने जो लिखा है, PFI एक सामाजिक तंजीम है, दबे कुचले पिछड़े तबकात के हुकूक के लिए लड़ने वाली तंजीम है, लिहाजा इनके RSS के रोकने से रुकने वाली नहीं, ऐसा भी इन्होंने कहा है। अब देखना यह कि पॉपुलर फ्रंट इस इकदाम का कितना असर होता है। वाजह रहे कि पूरे मुल्क में 17 फरवरी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से यूनिटी मार्च निकाला गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जानिसार राजाकारों पर मुबनी एक अवामी समाजी तहरीक है जो मुल्क के तमाम बड़े रियासतों में जमीनी सतह पर अपनी मौजूदगी रखती है। पॉपुलर फ्रंट मुकम्मल तकवियत के लिए कोशिश कर रही है। PFI का एजेंडा समाज के तमाम तबकात को मुत्तहिद होने का नजरिया पेश करती है। पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं ताकि समाजी इंसाफ, तालीमी तकवियत, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कानून दिफाई तहफुज और फिरका परस्ती सोच का मुकाबला कर सके। प्रेस रिलीज के मुताबिक PFI हमेशा लोगों के तहफुज के लिए पेश रहती है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अवामी हुकूक को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रेस रिलीज में ही 17 फरवरी को पॉपुलर फ्रंट डे मनाया जाता है की बात कही है, लिहाजा इसी के मद्देनजर जमखंडी में यूनिटी मार्च का एहतमाम किया गया था जो न हो सका। कर्नाटक में उल्लाड़ में यूनिटी मार्च किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।